साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स पार्ट टू। दोस्तों अपने पार्ट फर्स्ट में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शंस पढ़ ली थी, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कपलिंग रिएक्शंस। दोस्तों कपलिंग रिएक्शंस क्या है कि इसमें जो डाइजोनियम सोर्स है किसी के साथ कपलिंग रिएक्शंस करेगा और डाइज का फॉर्मेशन करेगा। दोस्तों ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शंस केमिस्ट्री में, या मैं कहूं कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि इन रिएक्शंस की वजह से ही जो आर्टिफिशियल डाइज है उनका फॉर्मेशन हुआ था और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति आ गई थी। क्योंकि उससे पहले इतने कलर्स अपने पास नहीं थे, अपन कुछ नेचुरल डाइज का ही यूज करके कपड़ों को रंगने का काम करते थे, लेकिन जब इनसे डाइज का फॉर्मेशन हुआ, यानी डाइज का जो आर्टिफिशियल डाइज का जो फॉर्मेशन है वो डाइजोनियम सोर्स की वजह से ही प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे अपन तीन डाइज पढ़ने वाले हैं। पहली है यहाँ पे फिनोल ऑरेंज। देखो एग्जाम में इनका कलर पूछते हैं इसलिए इसको याद ऐसे रखना, फिनोल ऑरेंज। क्यों? क्योंकि उसको बाद में बताऊंगा। फिर है एलिनिन येलो और नेप्थेनॉल रेड। ठीक है, ये तीन यहां पे अपन क्या है डाइज का आज फॉर्मेशन पढ़ने वाले जो इससे होता है, और इन तीनों को आप इसी प्रकार याद रखें क्योंकि एग्जाम में कलर पूछते हैं कि अगर हम नेप्थेलिन से उसकी रिएक्शंस करवाएंगे, यहां पे बीटा नेप्थेलिन भी याद रख सकते हैं कि बीटा नेप्थेनॉल से अपन इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो कौन सा कलर की डाइज बनेगी, एलिनिन से अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराऊं तो कौन से कलर की डाइज बनेगी, और फिनोल से अगर मैं रिएक्शंस कराऊं तो कौन से कलर की डाइज बनेगी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो, और आपको कपलिंग रिएक्शंस पूछ सकता है कि इधर आपको रिएजेंट दे देंगे और आपको क्या करना है इधर प्रोडक्ट बताना है, तो सारा का सारा। और इनमें से इनके सारों की मैकेनिज्म सेम है, तो मैं एक रिएक्शंस की आपको यहां पे मैकेनिज्म बता दूंगा, उसके बेस पे आप सारे को समझ लेना। तो चलते हैं अपन फर्स्ट जो अपनी है फिनोल ऑरेंज के फॉर्मेशन के भी, फिनोल ऑरेंज की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल ऑरेंज। देखो अब इसका नाम से पता चल रहा है कि भी इसमें एक तो फिनोल का यूज होगा, चूंकि अपन किसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं डाइजोनियम सोर्स की, तो वो तो यहां पे यूज होने वाले ही है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ताकि रिएक्शंस में, तो देखो ये अपन का क्या है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हमको बड़ा बनाते हैं। तो ये तो अपनी है फिनोल, ठीक है, और ये अपना ठीक है डाइजोनियम सोर्स, और ये है अपनी डाई। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी रिएक्शंस, ये, और ये है आपकी फिनोल ऑरेंज डाइज। ठीक है, ये आपकी फिनोल ऑरेंज डाई है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे फिनोल है। अब ऐसे कैसे इन सभी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उससे पहले अपन इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये बनी कैसे। ठीक है, क्योंकि एक के मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो अपने को सभी का मैकेनिज्म यहां पे समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और आप यहां पर याद रख लेना, वो है कि ये जो रिएक्शंस हुई थी वो बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है ना, ठीक। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखो
ये है आपका फिनोल। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसको बेसिक मीडियम में करवा रहा हूं, तो यहां से OH आएगा और इसको H2 के रूप में ये बाहर निकलेगा और अपने को क्या मिलेगा, फिनोक्साइड। ठीक है, अब फिनोक्साइड क्या होगा, ये अपने यहां देगा तो ये यहां से क्या होगा, यहां आएगा, यानी कि यहां पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में अपने को लास्ट में मिलेगा ये। ठीक है, ज्यादा यार रेजोनेंस आप जानते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कि भी वो कैसे होती है, तो अपने को यहां पे क्या मिला, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां से आपको पता है तो यहां पे ये पैरा हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा कि ये यहां से क्या करना चाहेगा, निकलना चाहेगा। ठीक है, अब कैसे, अब नेक्स्ट रिएक्शन समझना। अब यहां पे क्या है कि येलो ये मेरी राइजोनियम सोर्स, अब राइजोनियम सोर्स में क्या होगा कि यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा जिससे ये क्या होगा यहां पे सीएल का रिमूवल हो जाएगा और रिमूवल होने के साथ मैं इसको यहां बनाता हूं। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है ना, यहां बना रहा हूं मैं इसको। अब ये यहां अटैक करेगा और यानी देखो सीएल रिएक्शन से बाहर निकल चुका है, यानी यह रिएक्शंस में नहीं है, ये सिर्फ क्या है जहां हम रिएक्शंस करवा रहे हैं वहीं ये यहां पे। अब यहां पे ये लो आपका हाइड्रोजन और ये सीएल माइनस यहां पे पड़ा हुआ। अब देखो इसकी एरोमेटिसिटी यहां खत्म हो चुकी, तो अगर इसकी एरोमेटिसिटी को अपने को फिर से बनाना है तो यहां पे ये एच क्या करेगा सीएल के साथ बाहर निकल जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और अपने को मिलेगा, ये तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी जो फिर से बन चुकी है येलो, ये आपका OH। ओके, और ये आपका एन डबल बॉन्ड एन येलो। ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज्म, आप समझ लो इसको अच्छी तरीके से, कुछ खास नहीं है, बस यहां पे फिनोक्साइड का क्या होगा फॉर्मेशन होगा और यहां पे फिर से इसकी रेजोने फिर से अपन इसकी क्या करेंगे एरोमेटिसिटी को कवर कर लेंगे और ये आपका बन जाएगा फिनोल येलो, सॉरी फिनोल ऑरेंज, आपको ऐसे याद रखना फिनोल ऑरेंज एलेनिन येलो और बीटा नेप्थोल रेड, ताकि आपको इसके कलर याद रह जाए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। इनको हम कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इनका दोनों का एक साथ एडिशन हो रहा है ना। ठीक है, और हिंदी में साइज को युग्मन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, युग्मन अभिक्रियाएं। अब अपन करते हैं सेकंड जो अपनी है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन येलो। देखो एलिनिन येलो कह रहे हैं, इसका मतलब हम इसके किस किस का यूज करेंगे, एलिनिन का और डायजोनियम सोर्स का। अब हमेशा इनमें याद रखें चाहे एलिनिन हो चाहे फिनोल हो, यहां पे जो HCl इससे बाहर रिमूव होगा ना वो हमेशा जो अपनी एलिनिन है उसका पैरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। ठीक है, तो ये मेरी एलिनिन और ये उसका पैरा हाइड्रोजन, ये सीएल येलो। ठीक है, यहां से ये एचसीएल बाहर निकला, इसलिए मैं सुविधा के लिए ऐसे बनाता हूं आपको सीधा पर, ये एचसीएल बाहर निकल गया। ठीक है, और ये एचसीएल बाहर निकलते ये आपकी
ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे एनी लीन येलो 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 डाई, ठीक है, सीधी सी। अब जो तीसरी रिएक्शन है उस वो है बीटा नेप्थोल रेट, ठीक है। अब बीटा, इसको बीटा नेप्थोल क्यों बोल रहे हैं, उसका भी देखो रीजन है, हर चीज का रीजन है। क्योंकि देखो नेप्थोल होता है उसमें दो बेंजीन रिंग्स होती है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के जो बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है यहां पे उसका रिमूवल होगा, इसीलिए यहां पे ये बीटा नेप्थोल कहलाएगा। कैसे देखो, ये तो यहां पे पहले मैं बना देता हूं आपका येलो, डाइजोनियम सोल्स। अब देखो मैंने क्या कहा, कौन सी पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे, याद रखना बीटा पोजीशन पे क्या होगा, यहां पे ये आपका हाइड्रोजन और ये उसके बीटा पोजीशन, ठीक है। अब कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका निकलने वाला है ये वाला और ये वाला, ये आपका HCl, ठीक है। अब ये कौन से कलर में होगी, इसको हम कहेंगे बीटा नेप्थोल रेड डाई, ठीक है। तो मैंने कहा ना तीन डाइज यहां पे फॉर्मेशन होगा, ऑरेंज येलो एंड रेड, तो ये तीनों डाइज का आपके यहां पे फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और यहां पे आपकी कपलिंग रिएक्शंस और जो आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसकी केमिकल रिएक्शन यहां पे कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।